झांका एक मौजा खैरों में यहाँ पे औचकाने रसूल का जम्मे गफीर यहाँ पे मौजूद है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि एक आवाम का जम्मे गफीर आज ये मौजूद है अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में दीवानावार नारे लगा रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज के दिन ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस बात को मद्देनजर रखा जा रहा है कि आम हम एज ए मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आका हमारे मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म की भी शान में गुस्ताखी जो है हम कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जग जबां होकर उछाकान रसूल का ये नारा इस बात की गवाही है कि सरकार मदीना के गुलाम कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा थे। हम पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि आवाम का जम्मे गफीर तालियों की गूंज में अपने आका के विलादत का इस्तकबाल कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि हम आज भी अपने आका की ज़ात पे दरूद सलाम और उनकी आमद की खुशियाँ मनाने के लिए तैयार हैं, हर लम्हा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। जी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। उछाकान रसूल का जम्मे गफीर यहाँ से गुजर रहा है और नारों की गूंज में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जुलूस जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भैरों के एक अजीम बुजुर्ग बाबा अफजल के पास और ये खूबसूरत तैयारी के साथ नारों की गूंज में अपने आप अपना इश्क जो है वो आवाम के सामने पेश कर रहे थे कि हम सरकार मदीना के दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार मदीना की आमद की खुशी में आज ये अपने सारे काम और घर बार छोड़ कर यहाँ पर जमा हुए हैं, तो इनकी मिलाद के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। हाँ जी बाबा अफजल साहब, आप मुझे बताएँ कि सरकार मदीना की आमद की खुशी में आपकी मिलाद के हवाले से क्या तैयारी? मान पाइए मन कर हजूर पाल का घर बार बहुत तेजी से मना रहे हैं, किसने जरूर कर रहे हैं हजूर पाल मना रहे हैं, दिल्लिया हाथ में हला रहे हैं, सारी जिंदगी सारी जिंदगी के गुलाम रहे हैं।